आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि जो अपनी जान पर खेलकर संविधान की रक्षा करने के लिए देश में निकला हो उसके लिए आपके हाथों में और तालियों में कितना जोश है का दिखा सारे करता हूं। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में गुर्जर समाज के नहीं, गुर्जर समाज के नेता तो है ही, लेकिन बात अकेले एक समाज से नहीं होती। अंबेडकरवादी मिसर के वो साथी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और जब बात आती है पिछड़ा और दलितों की तो भाई के साथ खड़े गंगा से कंधा मिलाकर होने का काम करते हैं। से मेरे भाई आदरणीय रविंद्र भाटी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाने का काम करते हैं। हमारे मंच पर बैठे हमारे एक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कंसारा जी, अमित कंसारा जी, हमारे अमित भाई और मंचासीन सभी साथी, बहुत नाम नहीं ले रहा, बहुत लोगों के नाम लेने पड़ेंगे। मुझे सीधी सीधी दो तीन बातें बता दो, छोड़ो ये भाई भाई बेकार, सीधी सीधी दो तीन बात बताओ। मैदान में आओ, चलो ताली बजाओ, चलो ऐसे जोत न। मुझे सीधी सीधी एक बात बताओ भाई, कितने साल से संघर्ष कर रहा हूं किसानों के लिए बताओ, कितने साल? 20 साल। देखो एक मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो बच्चे लड़के नौजवान, अपने भारत देश में एक आदत है, गाड़ी कोई सी भी हो एवरेज कितना देती है ये पता करते हैं कि नहीं करते है? करते हो तो सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चलती है एक लीटर में बताओ, कितने चलती है? 60। अरे कोई कह रहा 80, मुझे कहा चलो मान लो 85 चलती है, 85 ठीक है। दामोदर ने आज तक 200-400 आंदोलन कर लिए किसानों के लिए कि नहीं कर लिए बताओ, कर लिए कि नहीं कर लिए? तो अब इस मोटरसाइकिल को बिना पेट्रोल के कितने साल चलाओगे भाई? हमने तो 200 का एवरेज दे दिया, अब 200 का एवरेज के बाद भी अगर पेट्रोल से मतलब है ऊर्जा, और उस ऊर्जा का मतलब है सड़क पे लड़ली बहुत लड़ाई, अब है सदन के अंदर की बारी, उसमें भेजने का काम करोगे कि नहीं करोगे जरा बता दो। बच्चू कंफ्यूजर है काहे कारे टी शर्ट वाले, तुम बताओ कंफ्यूजर है? बोलो दामोदर को विधानसभा भेजने के लिए कितने लोग तैयार हो, कितनी ताकत से तैयार हो ये बताओ, सब तैयार हो? अब देखो भाई बीजेपी तो झूठ बोलती है कि डबल इंजन की सरकार, बीजेपी क्या कहती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन आपका बेटा किसान का बेटा मिशन का साथी पूरी ईमानदारी से कह रहा है कि अब डबल इंजन में मिशन चलेगा इस मध्य प्रदेश के अंदर और पूरी ताकत से चलेगा, और पिछड़ा वर्ग की एक एक जाति हमारे ऐसे नेता के साथ खड़ी होगी जो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार, लेकिन संविधान को बचाने के लिए हर हाल तैयार है। मैं कह रहा हूं अभी पार्टी साहब कह रहे थे गुर्जर समाज का आंदोलन, ये बैठे हैं बहुत सारे पिछड़ा वर्ग के लोग, बाल बैठे हैं, गुर्जर बैठे हैं, कुशवा बैठे हैं, रावत बैठे हैं, यादव बैठे हैं, और वो भी बैठे हैं जो दाऊ बनते हैं, दाऊ बनते यादव जी दाऊ, गुर्जर साहब दाऊ। अरे मेरे भाइयों, लठ को तेल पिला रहे हो सालों से और लठ को गलत दिशा में चला रहे हो, लठ को तेल तो पिला रहे हो सालों से लेकिन लठ को गलत दिशा में चला रहे हो। जो तुम्हारा भाई है राजनीति से लेके खेत तक साथ देता है उसको अपना भाई भी मानते और दूसरों के तल में चाट के गुलामी करने का काम आज तक पिछले वर्ग के लोग करते चले आ रहे हो। मुझे कहने में संकोच नहीं, चाहे मेरा हीर हो, चाहे गुजर हो, चाहे गडरिया हो, चाहे काकी हो,
चाहे रावत हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे किरार हो, चाहे केवट हो, मल्ला हो, सुन लो मेरे भाइयों, लोधी समाज के भाइयों आप भी सुन लो। तुम्हें समझा के थके अभी साल 20 साल से एक ही बात समझा रहा हूं कि अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो और अगर अपना हक अधिकार चाहते हो तो अपने दिल में अंबेडकर को बसा लो और चंद्रशेखर आजाद का साथ देने का काम करो। अरे याद रखो उत्तर प्रदेश में नारा लगा था मिले मुलायम कांसी राम, याद है कि नहीं? याद है तो अब रविंद्र भाटी जी तो बोल ही चुके, पहले कुशवाहा पाल बघेल सब बोल चुके होंगे मंच पे, आपका बेटा दामोदर बोल रहा है मंच पे और अब हम सब के नेता चंद्रशेखर आजाद जी बोलेंगे मंच पे। तो ये विश्वास दिलाना, सुन लो भाइयों, पिछले वर्ग के लोगों, गुर्जर समाज के लोगों, यादव लोगों, रावत लोगों, कुर्मी लोगों, पाल लोगों, बघेल लोगों, कुशवाहा और हमारे सारे भाई दागी और सारे कुर्मी से लेके लोधी तक सब ये विश्वास दिलाओ आज मेरे इस शेर को कि जब भी इनका एक पसीना गिरेगा तो अपना खून बहा देंगे, लेकिन संविधान का एक पन्ना मैं हर बार कहता हूं। सुन लो इस जिले के गृह मंत्री, सुन लो यहाँ के मुख्यमंत्री और सुन ले देश का प्रधानमंत्री, अगर संविधान के पन्ने को फाड़ने की भी कोशिश की तो चंद्रशेखर भाई के साथ साथ दामोदर भी इस सरकार उन पार्टियों को फाड़ने के लिए तैयार है। संविधान को आज तो नहीं आने देंगे, जो करना है सो कर लो। अरे खड़े रहने दो, ए बेटा खड़े रहने दो सुनो, रुको हम बता देते हैं। देखो सुनो क्या हो रहा है, मैं बताऊं। ए भैया भाई सुनो क्या हो रहा, बीजेपी कांग्रेस वाले पैसे पे आदमी लेके आ रहे, घाटी साहब 500 रुपए दिया दो और रैली में लोगों को ले चलो। अब ये चंद्रशेखर आजाद का मेला है कि यहाँ इनको पैर रखने के लिए जगह नहीं, एक दूसरे के ऊपर चले जा रहे हैं। तो इसलिए चिंता मत करो, रेला रैली तो खूब करते हो, अब देखते हैं कि 17 तारीख को आज तुमने की है रैली, आज तुमने किया है रेला और 17 तारीख को चंद्रशेखर भाई की आवाज पे कर देना वोटों का खेला, बोलो कर दो लेकिन। और अगर कर दिया तो यकीन मानो, तुम सब नेता साथी भी सुन लो, बहुत सवाल पूछते हो, सारे लोग सुन लो, अगर दामोदर एमएलए बन के चला गया यहां से तो याद रखो ये पूरे देश के अंदर मेरे भाई आदरणीय आजाद भाई, आदरणीय भाटी साहब और जो एक एक साथी लड़ रहा है, इस मध्य प्रदेश को सामंत साहू ने गुलाम बना रखा है। जिस दिन आपने दामोदर को सदन में भेज दिया और अगर दामोदर की आवाज नहीं सुनी गई, संविधान की बात नहीं मानी गई, तो या तो अपना कुर्ता फाड़ लूंगा या उनका कुर्ता संविधान गुनी को फाड़ने का काम कर दूंगा। ये सब आप जानते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, जब बिजली की समस्या हो तो कौन लड़ता है, केशव लड़ता है कि नहीं लड़ता है, हाथ उठा के बताओ, केशव लड़ता है। जब खाद की समस्या हो, जब पुलिस की समस्या हो तो केशव लड़ता है कि नहीं लड़ता है, और जब खाद नहीं मिले तो गोदाम के ताले कौन तोड़वाता है, बताओ पीछे वाले बताओ, खाद के गोदाम के ताले कौन तोड़वाता है। हमने भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, भाटी साहब आपके पास है पासपोर्ट, हमारे पास नहीं है, हमने अप्लाई किया, कैंसिल कर दिया उठा के, आपके पास बनेंगे नहीं, ताला भाई के पास नहीं बनेंगे। अच्छा कैंसिल कर दिया, मैं बड़े गुस्से में गया, मैंने कहा किस लेवल का अधिकारी है, बोले आईएएस है, मैंने कहा भाई देखता हूँ आईएएस में लगते हैं, गया मैं गुस्से में, मैंने कहा कैसे कैंसिल किया, भोपाल में पासपोर्ट जानते हो, पासपोर्ट अच्छा तुम नहीं जानते हो, बता दो तुमने तुम्हारे खेत की किताब देखी, वो पावती क्या कहलाते हैं भाई, हाँ पावती, ऐसी एक पावती बना
तभी हम विदेश जाते हैं, नहीं तो बाकी बिना विदेश नहीं जाते, सरकार बना के देती है, समझ गए। अब वो पावती के लाने हमने लगा आवेदन और अधिकारी ने कह दिया रिजेक्ट। हमने कहा क्यों भाई, आतंकवादी है क्या? गए हम गुस्सा में, बोले आपके पास 14, आपके ऊपर 14 केस चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, 14 केस है? कहे क्या केस है भाई? तो बोले आप पता करो। मैंने केशव को फोन लगाया, मैंने कहा मेरे ऊपर 14 केस काहे के हैं? बोले 14 नहीं, उसने गलत बताया, जानकारी गलत है, आप पे 18 केस है और 18 के 18 किसानों के चक्का जाम के केस चलने का काम कर रहे हैं। तो बताओ केस ही लगवावे कौन है कहा? सही तो किया, विधानसभा तक पहुंचाओ दोस्तों, कभी पहुंचाओगे? हाँ अब वो आ रहे, आ रहे, आ रहे, बामुद्दा पे भी आ रहे, बामुद्दा पे, बामुद्दा पे भी आ रहे, बामुद्दा पे भी आ रहे। तो मेरे भाइयों, अच्छा आप सुनो, ये बात भी सही, नहीं तुम्हारी बात सही। जब तक पिछड़ा नहीं जगेगा, और पिछड़ा जगेगा कब? अरे तो भाई तो कह रहे हैं, भाई तो कह रहे हैं, अरे वही कह रहा हूँ, लो भाई पकड़ना। अरे सुनता भैया सुनो, एक बात को समझ लो, तुमने अच्छा विषय याद दिला दिया, नहीं तो भूल जाते। दामोदर यादव के जितने की रिपोर्ट आ गई सीआईडी में, ठीक है, 3 दिन पहले एक बड़े अधिकारी ने फोन किया। अब हम व्हाट्सएप पे उसको सबको सार्वजनिक करना नहीं चाहते, वो बेचारे अधिकारी को दिक्कत हो जाएगी। और उस अधिकारी ने बोला कि दामोदर भैया खुश हो जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले व्हाट्सएप चेक करो, हर विधानसभा की रिपोर्टें जा रही, 1 हफ्ते पहले का है भाटी साहब। तो 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि आप 12,000 से अधिक वोटों से दोनों पार्टियों से जीतने का काम हो रहा है, आप खुश हो जाओ। तो मैंने कहा टक्कर किससे है? बोले टक्कर किसी से नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पे बीजेपी है। क्या कहा? दूसरे नंबर पे बीजेपी है, और बीजेपी और कांग्रेस आसपास ही है, सब टक्कर काउंट से नहीं गया। हमने कहा मजा नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? हमने कहा हमारे सर्वे के हिसाब से तो हम 25,000 वोट से जीत रहे, इससे नीचे नहीं जीत रहे। और पता नहीं, हमने सुना सुबह का सपना सही होता है, सही होता है। ये अमोल रावत और अमित राजपूत है दोनों, ये 4-5 दिन पहले लड्डू बांट रहा सुबह के सपने में। हमने कहा काय के लड्डू बांट रहे भाई? बोले आपको पता नहीं, आप तो प्रत्याशी थे। मैंने कहा क्या? बोले 22,680 से जीत गए। अच्छा देखो, एक सपना दोबारा रिपीट नहीं होता, 2 दिन बाद फिर से सपना आया, अपने लोग पार्टियां कर रहे थे, हमने काय की पार्टी चल रही भाई? बोले आपको नहीं पता 22,680 से जीत गए? मैंने कहा ये कौन सा सपना चल रहा है? तो मैंने उस सीआईडी वाले को कहा कि तुम 12,000 कम बता रहे, हमारे क्षेत्र का किसान इस किसान के बेटे को आशीर्वाद देगा और 22,000 से ऊपर जिताने का काम करेगा। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, पूरी ताकत से बताओ करोगे? पीछे वाले करोगे? इधर वाले करोगे? उधर वाले करोगे? सड़क वाले करोगे? सड़क वाले बताओ, सड़क वाले करोगे? अब भैया अगर करोगे तो सुन लो, ये जो गुंडागर्दी चल रही है, हमारा एक जाटक, एक कुशवा, एक पाल, एक कोई भी ओबीसी का आदमी अभी मोटरसाइकिल लेके निकलता है, ये खड़े हैं दरोगा दरोगी टीआई सब आस पास खड़े हैं। जब भी कार्यक्रम होता है हवाई